अभी अभी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नहीं संभले तो लग जाएगा लॉकडाउन। आपको बता दूं कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के 6000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 28000 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 6050 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 28303 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 3000 से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से बाहर आए हैं। वहीं हर रोज कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द आपको लॉकडाउन देखने को मिलेगा। और इसलिए सरकार ने आम जनता से अपील की है कि आप घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाकर ही जाएं। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सारी तैयारियां करने के लिए कह दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड समेत सभी मामलों के लिए 5 चरणीय रणनीति बनाई गई है, जिसमें परीक्षण, खोज, निदान, टीकाकरण और उचित मानकों का पालन अपनाया जाना चाहिए। साथ ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि कोविड की तेजी से जांच हो सके और हम कोविड से लड़ने के लिए पहले ही सतर्क हो जाएं।